Dear students, here we are going to see the explanation of the second chapter of Moments, The Adventures of Toto. Toto ke karname. So let's see, this is the first question. How does Toto come to grandfather's private zoo? Toto jo hai wo grandfather ke private zoo mein kaise aaya? Grandfather was very fond of animals. He has his own private zoo. Grandfather jo the wo animals ko bahut लाइक करते थे, एनिमल्स के बहुत शौकीन थे एंड उनके उनका अपना खुद का प्राइवेट जू था. ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़. वो जो थे टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी 5 रुपए में खरीद कर लाए थे. ही यूज टू कीप द लिटिल मंकी टायर्ड टू अ फीडिंग ट्रफ. द लिटिल मंकी लुक्ड स्ट्रेंज्ड देयर, सो ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू एड द लिटिल मंकी इन टू हिज प्राइवेट जू. टोंगा ड्राइवर जो था वो बेबी मंकी को उसको बांध के रखता था रस्सी में. एंड एज वी ऑल नो दैट ग्रैंड फादर ही लव्ड एनिमल्स वेरी मच. तो उनको जब उन्होंने देखा कि द लिटिल मंकी हैज़ बीन टायर्ड, ओके दैट्स वाई व्हाट डिड ही डिसाइडेड दैट आई विल टेक इट टू माय होम, या इसे अपने घर लेकर जाऊंगा. ओके एंड इन फैक्ट ही इज़ इम्प्रेस्ड एंड फाइंड्स द बेबी मंकी वेरी प्रिटी. सो ही बायज इट एंड एड्स इट टू हिज प्राइवेट जू. हिज नेम इज़ टोटो. He named it Toto. Actually, what happened that he was very impressed. Okay, he was very impressed by the baby monkey, by his physical appearance, because it was very pretty. Okay, उनको वो बहुत pretty लगता है. That's why he buys it. वो उसको खरीद लेते हैं 5 रुपए में and adds it to his private zoo. Okay, और उसका नाम क्या रखते हैं? Toto. Next question number 2 is, Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? टोटो प्रिटी मीन्स वो देखने में बहुत ही प्रिटी, क्यूट, अच्छा दिखता था. ओके सो इन व्हाट सेंस वो कैसे दिखता था अच्छा? टोटो इज प्रिटी मंकी. हिज आइज आर ब्राइट एंड स्पार्कल्स विथ मिसचीफ्स. ओके टोटो प्रिटी इसलिए था बिकॉज हिज आइज आर ब्राइट. उसकी आंखें चमकीली थी एंड स्पार्कल्स विथ मिसचीफ्स और शरारत से चमकती रहती थी. अंडर डीप सेट आईब्रोज एंड हिज आईब्रोज वर डीप. ओके हीज टिथ आर पर्ली वाइट विच कैन बी सीन वेन लिटिल टोटो स्माइल्स एंड हिज टिथ आर पर्ली वाइट. मोती की तरह उसके दांत थे. ओके विच कैन बी सीन जो कि दिख जाते थे वेन टोटो यूज टू स्माइल. हिज फिंगर्स आर क्विक एंड विकेड एंड ही हैज़ लॉन्ग टेल दैट एड्स टू हिज ब्यूटी. उसके पूँछ लंबे थे. दैट्स वाई द ग्रैंड फादर लाइक्स हिम वेरी मच एंड कॉल्स हिम अ प्रिटी मंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. टोटो उसे सॉरी ग्रैंड फादर टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर जाते हैं और कैसे. वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. एज वी ऑल नो दैट टोटो इज अ मिस्चीवियस मंकी. ही वॉज केप्ट इन अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स. ओके हम जैसा कि सब जानते हैं कि टोटो एक बहुत ही शरारती बंदर था और उसको एक बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट क्वार्टर के बड़े से पिंजरे में रखा गया था. विच वॉज ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, जो कि ग्रैंड फादर का प्राइवेट जू था. देयर मेनी मोर एनिमल्स वर ऑल्सो कैप्ट. द अदर एनिमल्स वर ऑल्सो देयर एंड लिव्ड इन पीस. पर वो लोग शांति से रहते थे. बट लेकिन टोटो डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट. टोटो ने रात में सोने नहीं देता था बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी एंड ड्यू टू हिज नॉटी एक्टिविटीज दे कुडंट स्लीप एट नाइट. देयर फोर ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग विथ हिम टू सहारनपुर. तब ग्रैंड फादर क्या डिसाइड करते हैं दैट ओके नाउ आई विल टेक हिम टू सहारनपुर बिकॉज ही हैड टू गो देयर वेयर ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन. जहाँ उन्हें अपना पेंशन लेने जाना था. He takes Toto in a bag. When the ticket collector saw Toto, he calls him a dog. Okay? He takes Toto in a bag. वो उसको bag में लेके जाते हैं. Okay? And when the ticket collector saw Toto, जब ticket collector उसको देखता है, he calls him a dog. वो उसको dog के category में रखता है. And charges grandfather 3 rupees as fare. और उसका fare, उसका किराया 3 रुपया चार्ज करता है ticket collector. Because the railways allow dogs to travel for a fee. And टोटो इज़ बिग एनफ टू बी अ डॉग. क्योंकि रेलवेज़ में जो है वो डॉग्स को ट्रैवल के लिए अलाउ किया गया है और 3 रुपया फी लिया जाता है. मीन्स फी इज़ ओनली फिक्स्ड फॉर डॉग्स. ओके सो अकॉर्डिंग टू द टिकट कलेक्टर टोटो ओके टिकट कलेक्टर जो है वो डॉग सॉरी टोटो को डॉग के कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम टोटो इज बिग एनफ टू बी अ डॉग. टोटो जो है वो डॉग के साइज का है. दैट्स वाई ही कैप्ट
Toto in the category of dog and he charges ₹3 as a fare. Next question number 4 is, how does Toto take a bath? Toto kaise nahata hai? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? Toto kaise nahata hai? And where he has learned to do this? Wo aisa kaise sikhta hai? And ek baar aisa kaise hua ki Toto ne apne aap ko lagbhag boil kar liya? Toto was provided with warm water in a large bowl for bathing during winter season. जाड़े के मौसम में टोटो को एक बड़े कटोरी में उसको नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था. द ग्रैंड मदर गिव्स हिम द वॉर्म वाटर टू बाथ बट लाइक द ऑथर ही वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ हिज हैंड. टोटो ग्रैंड मदर जो थी वो उसको नहाने का पानी दिया करती थी लेकिन ऑथर की देखा देखी वट ही यूज़ टू डू ही यूज़ टू चेक द टेम्परेचर बिफोर टेकिंग बाथ ऑफ वाटर. ओके अपना हाथ डाल के पानी में और चेक किया करता था उसका टेम्परेचर. ही देन ग्रेजुअली स्टेप्स इनटू द बाउल और तब धीरे धीरे वो अपना पैर उस बाउल में डालता. फर्स्ट 1 फीट पहला पैर देन द अदर उसके बाद दूसरा अनटिल ही इज़ इनटू द वाटर अप टू हिज नेक तब तक जब तक कि उसका पानी गर्दन तक नहीं आ जाता वो ऐसा करता. वन डे ही मिस्टूक एक पर उसे गलत फहमी हो गई. द वाटर बॉइलिंग फॉर टी टू बी द वाटर फॉर बाथ एक पर उसके साथ गलत फहमी हो गई. हुआ यू कि दैट द वाटर वॉज कैप्ट फॉर टू टू सॉरी वाटर वॉज कैप्ट फॉर टू प्रिपेयर टी. ओके चाय प्रिपेयर करने के लिए वाटर रखा हुआ था बॉयल करने के लिए रखा हुआ था एंड टोटो मिस्टूक दैट वाटर इज कैप्ट फॉर हिम टू टेक बाथ. ही गॉट इन टू द कैटल इन फैक्ट वाटर वॉज कैप्ट इन द कैटल. ओके वाटर जो है वो कैटल में रखा हुआ था और टोटो जो है वो मिस्टूक कर जाता है दैट वाटर इज कैप्ट ओके फॉर हिम. When the water began to boil and one more thing वो kettle जो था वो fire के ऊपर रखा हुआ था because it was in process चाय बनने के process में था. ओके और जब पानी खोलना शुरू कर देता है टोटो raised himself slightly. ओके टोटो उसमें चला जाता है. He got into the kettle. ओके टोटो उसमें kettle में घुस जाता है और जब kettle का पानी खोलना शुरू करता है then टोटो जो है वो अपना वो धीरे से अपने आप को ऊपर की तरफ करता है. However as he found it cold inside He sat down again. Okay? लेकिन जैसे ही उसको बाहर here there will be. Okay? However, as he found it cold inside, yes, he sat down again. लेकिन जैसे जब वो अपना सिर बाहर निकालता तो उसको ठंड का एहसास होता तो वापस नीचे पानी में बैठ जाता. He continued hopping up and down until grandmother arrives and takes him out of the kettle. वो ऐसा continue उछलते रहा तब तक जब तक कि grandmother आ नहीं जाती और उसको kettle से बाहर नहीं निकाल लेती. So he almost boils himself alive. तो ऐसा हुआ था कि एक बार उसने लगभग अपने आप को boil कर लिया था जिंदा. Why does the Toto author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो उस प्रकार का नहीं है जीव पालतू जीव जिसे लंबे समय के लिए रखा जा सके. लेट्स सी द आंसर. द टोटो सेज दैट बिकॉज टोटो वॉज अ मिस्चीवियस मंकी ही वॉज वेरी नॉटी एंड हैज़ बीन ट्रबलिंग ऑल द एनिमल्स इन द ग्रैंड फादर्स जू एंड द फैमिली. ओके ऑथर क्या कहते हैं कि चूंकि टोटो बहुत ही शरारती बंदर था और बहुत ही नटखट था वो सारे जानवरों को हमेशा मुसीबत में डाल दिया करता था एज वेल एज ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. ओके ही डिस्ट्रॉयज थिंग्स एट होम एंड टीयर्स देम इनटू पीसेस वो चीज़ों को बर्बाद करता था और उसे टुकड़े टुकड़े करता था. वंस ही थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर एक बार उसने क्या किया कि ग्रैंड मदर पे प्लेट फेंका. ओके बिकॉज शी हैड स्क्रीम्ड एट हिम क्योंकि वो जो थी एक बार उस पर चिल्लाई थी. ओके ही पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव तब उसने क्या किया दैट ही पिक अप द डिश ऑफ पुलाव दैट वॉज बीइंग कुक्ड. ओके जो बना हुआ था उस डिश को उसने उठा लिया एंड क्लाइम्ड अप द जैकफ्रूट ट्री और जैकफ्रूट ट्री पे चढ़ गया. ही बिकेम द कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज वो लगातार नुकसान का कारण बना. किन चीज़ों के नुकसान का डिशेस क्लोथ्स कर्टेंस एंड वॉलपेपर विच कांट बी अफोर्डेड फॉर सो लॉन्ग जिसका बार बार उसको अफोर्ड करना खरीदना इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फैमिली ऑफ ग्रैंड फादर. फाइनली द फैमिली रियलाइजेज दैट ही इज नॉट फिट फॉर देयर फैमिली एंड सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर. तब फाइनली ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये टोटो जो है ही इज़ नॉट फिट इट इज़ नॉट फिट फॉर देयर फैमिली. ओके उनके फैमिली के लिए वो फिट नहीं है और उसको वापस दे सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर.